हाँ जी भाई, तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूएसए T10 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा अटलांटा राइडर्स वर्सेस टेक्सास चार्जर्स के बीच में। अब इस मैच की अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैच खेला जाएगा आज यानी कि 18 अगस्त। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7 बजे मैच खेला जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। बात करें अगर वेन्यू की, तो सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क में मैच होने वाला, जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में चल रही है ये लीग। ठीक है, यूएसए की लीग है तो भाई ऑब्वियस सी बात है यूएसए में ही मैच होने वाला है। पिच की अगर बात करें तो बैलेंस विकेट है, थोड़ा सा एडवांटेज आप यहां पर बैट्समैन को दे सकते हो। रीजन है उसका क्योंकि भाई जितना छोटा फॉर्मेट होगा ना, बैट्समैन उतने ज्यादा अग्रेसिवली खेलेंगे, तो यहां पर भाई रन तो बनेंगे ही बनेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से 97-110 का एवरेज स्कोर यहां पर रहने वाला है। और एक चीज और बता दूं आपको, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, जिनको आपने लेने के बारे में दिमाग में मतलब आपके ख्याल तक नहीं आया होगा, और वो प्लेयर आपको वन साइडेड विनिंग करवा जाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेयर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर पहले स्टैट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको टीम भी बना के दिखाऊंगा, सारे काम करेंगे। लेकिन भाई धीरे धीरे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई टेलीग्राम चैनल। क्यों? क्योंकि भाई लाइनअप्स के बाद, टॉस के बाद कोई भी चेंजमेंट होता है टीम में, कुछ भी बदलाव करना हुआ, तो वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? वो मिलेगी भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अभी की अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम आप विनिंग नहीं कर पाओगे। फाइनल टीम लाइनअप्स के बाद आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अटलांटा राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और रीसेंट फॉर्म एक बार देख लेते हैं। रोबिन उथप्पा टीम के कैप्टन भी है, यहाँ पर ही आपको खेलते नजर आएंगे, ओपन करते नजर आएंगे लंडन सिमंस के साथ। सबसे पहले इनकी बात करें तो भाई 88 रन 17-6-53-0 रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बैक कर सकते हो, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। लंडन सिमंस भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों? क्योंकि ओपन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्वेन स्मिथ की बात करें ठीक ठाक प्लेयर है, रीसेंट फॉर्म की अगर आप देखोगे तो एक मतलब पहला मैच को आप निकाल दो तो उसके अलावा हर मैच में यहाँ पर बंदे ने विकेट्स भी निकाले, प्लस कुछ कुछ रन्स भी यहाँ पर बनाए, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मसाकार्जा की बात करें तो ठीक ठाक प्लेयर है, इन्हें भी आप अपने टीम में रख सकते हो। लेकिन हम्मद आजम से यहाँ से भाई आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, एक तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, दूसरा 10 ओवर का मैच है, तो भाई यहाँ पर इनके बैटिंग आने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। वहीं अगर बात करें इनकी जगह किसे ट्राई करना है, तो वो फिर आपके लिए ग्रांट इलियट ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग का भी ऑप्शन आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। यहां पर देखिए 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट अच्छी खासी बॉलिंग आपको करवा के दे देंगे। साथ ही अगर यहां पर भाई बात करें चतुरंगा डी सिल्वा की, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, बड़ा तगड़ा गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, जरूर से बैक कीजिएगा। और T20 में भाई जब लंका प्रीमियर लीग खेली जाती है तो कभी कभी इसे है ना ओपन या वन डाउन भी खिलाया जाता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, इन्हें ऊपर प्रमोट किया जाता है, तो फिर ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा फरहाद रजा की बात करें ठीक ठाक प्लेयर है, बैक कर सकते हो। वही अगर बात करें मोहम्मद इरफान की, फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम बॉलिंग करती है तो मोहम्मद इरफान में भी भाई डेथ में अपना एक ओवर डालते नजर आएंगे, और वहाँ पर ये विकेट निकालने के दावेदार रहेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। एस श्रीसंत की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इन्होंने भी लास्ट के 5 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट निकाले, तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें बैक कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल। इसके अलावा अमिला अपोंसो की बात करें तो इन्हें भी मैं जीएल मिनी जीएल में आपके लिए रिकमेंड करने वाला हूं। बात करें टेक्सास चार्जर्स की, यहां पर उपुल थरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म भी काफी खतरनाक है, जरूर बैक कीजिएगा। मोहम्मद हफीज बैटिंग भी करेगा प्लस बॉलिंग भी कर सकता है, क्योंकि खुद ही कैप्टन है, तो भाई अपने आप को प्रमोट कर सकता है बॉलिंग में भी, तो आपके लिए दोनों के दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। रॉस टेलर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रॉस टेलर नेल ब्रूम में से किसी एक को आप बैक कीजिएगा, रीसेंट फॉर्म के हिसाब से रॉस टेलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अगर इन दोनों से ऊपर नूर अली जादरन खेले तो मजा आ जाए, फिर हम इसे अपनी टीम में रख लेंगे। तिसारा परेरा की बात करें, अभी एलपीएल खेल रहे थे, कुछ ज्यादा खास वहां पर किया नहीं, और अभी भाई इनकी टीम भी बाहर हो चुकी है एलपीएल से, तो ये यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे जितना मतलब जितने ज्यादा चांसेज है इनके अवेलेबल होने के, तो अगर खेलते तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको इनकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं। इसके
अलावा पॉल एडम्स बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। यहाँ पर आप देखिए 8 विकेट 2 विकेट 0 2 1 लगातार विकेट्स में रहता है। जीवन मेंडिस की बात करें बेहतरीन ऑलराउंडर है, मतलब लास्ट में अगर 5 या 10 बॉल खेलने को मिल जाते हैं तो 20-25 रन बनाकर दे सकता है, साथ ही साथ बॉलिंग से भी कभी ना कभी आपको विकेट निकाल के दे देता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप इसे बैक कर सकते हो। फिडल एडवर्ड्स ये ऐसा प्लेयर है विकेट निकालता है तो गुच्छों में निकालता है, अदरवाइज बहुत तो महंगा साबित होगा और विकेट लेस भी जाएगा। प्रज्ञान ओझा की बात करें अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग बॉलिंग करवाती है तो भाई आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और बाकी प्रज्ञान ओझा काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल रहते हैं, बहुत ही कम रन्स देते हैं, तो जितना छोटा फॉर्मेट होगा ना और वहाँ पर जो कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो रन्स ज़्यादा ना देता हो तो उनको विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रवीण कुमार की बात करें भाई स्विंग का किंग है बंदा, मेरे हिसाब से अगर पहले बॉलिंग करवाती ना इनकी टीम तो मस्टर पिक रहेगा, हो सकता है डेथ में ना डाले लेकिन स्टार्टिंग के 2 ओवर में भाई काफ़ी बड़ा तगड़ा कमाल करके जा सकता है। अब अगर बात करें टीम की तो चलिए आपको टीम बना के दिखाऊँ, उससे पहले याद दिला दूँ दोस्त टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है क्योंकि बिना टेलीग्राम के आप विनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए भाई यहां से बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो उपुल थरंगा रोबिन उथप्पा दोनों मेरी टीम में रहेंगे, मोहम्मद हफीज लैंडन सिमेंट डेवन स्मिथ तीनों मेरी टीम में रहेंगे, इसके अलावा यहां से मैं अभी किसी को ट्राई नहीं कर रहा। बात करें अगर यहां से भाई ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहां से भाई थिसारा परेरा को मैं ट्राई नहीं करूंगा, ग्रांट इलियट को ट्राई करूंगा, इसुरु उड़ाना अभी अवेलेबल नहीं होंगे। यहां से अगर आप देखोगे तो भाई मैं अभी के लिए जीवन मेंडिस को भी ट्राई कर रहा हूं और चतुरंगा डी सिल्वा को अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां से भाई बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से देखिए मोहम्मद इरफान मेरी टीम में रहेंगे, उमर गुल में भी भाई आपको ज़्यादा खेलते नज़र नहीं आए, और अगर ये खेलते भी नज़र आएंगे तो भाई इनके मतलब परफॉर्मेंस के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे क्योंकि भाई एज का भी काफ़ी फैक्टर मैटर करता है। इसके अलावा यहाँ से भाई मैं प्रज्ञान ओझा प्रवीण कुमार दोनों को अपनी टीम में रख रहा हूँ। बाकी अगर आपको और सच में जुनैद सिद्दीकी की बता दूँ भाई ये अभी बिजी है, कहाँ पर UAE की तरफ से ही खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में T20 सीरीज खेल रहे हैं, जैसे ही T20 सीरीज खत्म होगी ये भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और इनकी रिसेंट फॉर्म काफी खतरनाक चल रही है, अगर ये खेलेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। तो यहां से अभी के लिए मैं प्रज्ञान ओझा प्रवीण कुमार को ट्राई कर रहा हूं, आप अगर चाहो तो प्रज्ञान ओझा की जगह उमर गुल को अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए खैर मैं प्रज्ञान ओझा को ही बैक कर रहा हूं। CVC की बात करें तो कैप्टनसी मोहम्मद हफीज के साथ जाएगी, VC की अगर बात करें तो VC में डेवन स्मिथ को देने वाला हूं। बाकी हां अगर आप चाहो तो दोनों इनके विकेट कीपर भी, दोनों अपनी अपनी टीम के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है ये भी काफी तगड़े ऑप्शन रहेंगे CVC के। टीम के प्रीव्यू की बात करें वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल है, कोई भी चेंजमेंट होता है कोई भी अपडेट आती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूं आपको मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।